हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक अप्लायंसेस सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, आगे किस तरीके से जो है इनके फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट आने वाले टाइम में हो सकता है। तो बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी का नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और बजाज की बात करें तो कंपनी काफी तरीके के जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, और जिसमें अगर बात करेंगे तो ग्लोबली रिनाउंड एंड ट्रस्टेड कंपनी है बजाज ग्रुप की, ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स। और बिजनेस की अगर बात करें तो कंपनी जो है अप्लायंसेस, फैन एंड लाइटिंग एंड एक्सपोर्ट एंड ईपीसी जो बिजनेस में कंपनी एक अपना काम कर रही है, और करीब करीब इसकी 20 ब्रांचेस ऑफिस जो है मौजूद हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर, एंड जो सपोर्ट करती है इसको डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑथराइज डीलर्स, रिटेल आउटलेट्स, एक्सक्लूसिव शोरूम्स कॉल्ड बजाज वर्ल्ड, एंड अप्रोक्सीमेटली 500 कस्टमर केयर सेंटर्स मौजूद हैं इनके पास में। और इनकी जो प्रेजेंस है प्रीमियम होम अप्लायंसेज एंड कुकवेयर सेगमेंट में भी इनकी जो है एक अच्छी खासी प्रेजेंस बनी हुई है, जिसमें जो ब्रांड है उनके जिनके थ्रू मॉर्फी रिचार्ज एंड निरलैप के थ्रू देख सकते हैं, बेहतरीन कंपनी है। बिजनेस की बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रही है, ईपीसी में भी, ईपीसी सेगमेंट में भी है, इल्यूमिनेशंस में भी, एंड एक्सपोर्ट भी जो है कंपनी करती है अच्छा खासा। बात करते हैं एक एक करके। तो बजाज ग्रुप की अगर बात करें तो राहुल बजाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस है, ये 80 ईयर्स हो गए कंपनी को बने हुए। और ग्रुप की बात करें तो 25 कंपनी है इस कंपनी के, इस ग्रुप के अंदर, और टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो 280 बिलियन का है। एंड बात करते हैं अगर एम्प्लॉयज की, 36,000 एम्प्लॉयज जो है इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, जिसमें आप देखेंगे तो इनके पास में काफी कंपनी है मौजूद, जिसमें बजाज के नाम से बजाज ऑटो है, बजाज फिनसर्व है, बजाज अलायंस है, बजाज फाइनेंस है, और कंपनी काफी अच्छा खासा काम कर रही है। हालांकि वो मुकंद है एंड बजाज ग्रुप में आप देख सकते हैं और भी काफी कंपनी जो है मौजूद है। बात करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल की, तो क्या बिजनेस है और किस तरीके से जो है इसमें आगे एक आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो बजाज ग्रुप की अगर बात करें, बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत समय से ये कंपनी जो है चल रही है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है होम कंफर्ट एंड होम एसेंशियल्स, जिसमें रूम हीटर, एयर कूलर, आयरन, वाटर हीटर, फैंस, लाइटिंग, एंड देखेंगे तो मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, जूसर मिक्सर, चॉपर, एंड बात करते हैं तो वेट ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, एंड बात करते हैं ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स में कॉफी मेकर, जूसर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, पॉप अप टोस्टर्स, एयर फ्रायर, सैंडविच मेकर्स। तो इस तरीके से जो है कंपनी काफी तरीके के प्रोडक्ट जो है बना रही है, और किचन जो होती है उसके लिए, एंड कुकिंग एसेंशियल्स में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक कुकर्स, गैस स्टोव्स, इंडक्शन कुकर्स, माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी, प्रेशर कुकर्स, पैन एंड तवास। तो इस तरीके से जो है कंपनी काफी तरीके के जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रही है। एंड बात करते हैं, और कंपनी जो है निरलैप जो एक ब्रांड है, तो उसके थ्रू भी जो है कंपनी जुड़ी हुई है। तो इसमें देखेंगे तो सेलेक्ट प्लस, सखी, स्नैक मेकर, गिफ्ट सेट, एंड बात करते हैं इबोनी, तो ये भी इनके जो प्रोडक्ट है ये भी सेल आउट कर रही है कंपनी और अपने ब्रांड के चलते। एंड साथ के साथ अगर बात करते हैं तो बजाज इलेक्ट्रिकल में तो ये इल्यूमिनेशन से भी रिलेटेड जो है काफी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें इंडोर इल्यूमिनेशन एंड बात करते हैं आउटडोर एंड सोलर, तो इनके लिए भी जो है कंपनी काफी जो है प्रोडक्ट बना रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड साथ के साथ ईपीसी पे भी जो है कंपनी काम कर रही है, तो ईपीसी पे भी जो है कंपनी का एक अच्छा खासा एक हाथ अजमा रही है, जिसमें आप देखेंगे तो इल्यूमिनेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड साथ के साथ अगर बात करते हैं तो कंपनी एक्सपोर्ट्स भी अच्छा खासा करती है, 50+ कंट्रीज में जो है इन्होंने अपनी एक एक्सपोर्ट करती है कंपनी, अपनी प्रेजेंस इन्होंने जो है बना रखी है, और बिजनेस टू कंज्यूमर एक्सपोर्ट करती है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एंड बिजनेस टू बिजनेस एक्सपोर्ट करती है ल्यूमिनरीज एंड ईपीसी को, देख सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की, और मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 56% अब किया है। एंड इस बार जो चेयरमैन का
जो कमेंट जो आया उसको देखेंगे तो ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ कोविड हालांकि जरूर इसमें राइज हुए हैं कमोडिटी प्राइसेस और उन्होंने मेंटेन किया है उसको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस एंड फोकस करते हुए एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो जरूर अपना टॉप लाइन ग्रोथ उसमें देखने को मिली है एंड कुछ बात करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट है मेंटेन कर रहे हैं मार्जिन एक्सपेंशन को कमिंग क्वार्टर्स में करते हुए दिखेंगे एंड ईपीसी सेगमेंट में जो है रिड्यूस किया है लॉस को एंड जबकि कंटिन्यू कर रहे हैं फोकस एक्सिक्यूशन एंड वर्किंग कैपिटल पे एंड इवन द चैलेंजिंग क्वार्टर वी हैव कंटिन्यूड टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस विद डिमांड पिकिंग अप वी रिमेन कॉन्फिडेंट टू डिलीवर टू आवर ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड गोल्स. तो देख सकते हैं कंपनी के पास में ऑर्डर बुक की अगर बात करी जाए तो एक 888 करोड़ की जो है एक ऑर्डर बुक मौजूद है एंड जिस पे जो है कंपनी आगे काम करती हुई दिखेगी. पावर डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट इनके पास मौजूद है एंड इल्यूमिनेशन प्रोजेक्ट भी जो है कंपनी के पास में मौजूद है. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें. अब बात करते हैं स्टॉक की. तो यहाँ से अगर यहाँ तक का अगर आप एरिया देखेंगे तो एक करीब करीब ये एरिया जो रहा है 378 से और नीचे देखेंगे तो 25 रुपए से. और यहाँ पे अगर बात करते हैं ये वाला जो इसने जो हाई लगाया और ये हाई लगाया करीब 2010 पे और 2010 के हाई तक ये शेयर कब तक नहीं निकला वो नहीं निकला 2017 तक वहीं के वहीं घूमता रहा. मतलब 7 साल इसने वहीं के वहीं कंसोलिडेशन किया है. फिर एक चाल दी थी फिर ये फिर फॉर्मेशन इसमें डाउनफॉल इसमें देखने को मिला. अब यहाँ से ये जो चाल बनी है यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है क्योंकि रिजल्ट जिस तरीके का है वो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. बात करते हैं स्टॉक की पहले किस तरीके का चार्ट इसका बना हुआ है. तो चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 860 रुपए के ऊपर जब तक ये मौजूद है जब तक अपने बुलिश ट्रेंड में है स्टॉक. और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो 4-5 महीने से यहीं के यहीं कंसोलिडेशन कर रहा है. नीचे एक स्टॉप लॉस इसमें अगर लगाना चाहिए तो वो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 960 के आसपास. तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ में हालांकि ये वाली जो फॉर्मेशन जो बन रही है ये मुझे लगता है कि इसको कम्प्लीटली कहीं ढकती हुई ना दिखे इस वाली कैंडल को. तो ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा. यहाँ से फिर फॉल होने की गुंजाइश है. यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेना है तो आप इसको सिप के थ्रू लें और नीचे आप एक स्टॉप लॉस इसमें जो लगा के रखे हैं वो लगा के रखे हैं आप इस समय पे 960 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको परचेस करें. थोड़ा सा और नीचे अगर ये जाता है तो नीचे आपको और स्टॉप लॉस थोड़ा लेके जाना है वो बनेगा करीब करीब 900 रुपीज के आसपास. सिप आप इसमें करेंगे तो बढ़िया आगे जो है ये कंपनी काम करती हुई आगे दिखेगी. और मुझे लगता है करीब करीब आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 1 से 1.5 साल के अंदर करीब करीब 1500 रुपए तक के टारगेट आपको मुझे लगता है करीब करीब 1450 से 1500 रुपए तक के टारगेट आने वाले टाइम में ये आपको 1 से 1.5 साल के अंदर दिखाता हुआ नजर आएगा. शॉर्ट टर्म के लिए इस पे कोई कॉल मुझे नहीं लगता है ऐसी बनती हुई दिखेगी क्योंकि परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी खासी आई नहीं है इसकी और चार्ट भी बता रहा है कंसोलिडेशन बहुत हो रहा है. शॉर्ट टर्म के लिए कोई कॉल नहीं है. एंड बात करते हैं कि किस तरीके से इस बार परफॉर्मेंस आई है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या है. तो फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 की है स्मॉल कैप कंपनी है 17 की ईपीएस है. एंड बात करते हैं किस तरीके का इनका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. तो डिविडेंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2019 के बाद में डिविडेंड दिया ही नहीं 2020 में तो दिया ही नहीं है. बोनस की बात करें 2007 में दिया था बोनस उसके बाद में फिर नहीं दिया. अब बात करते हैं एनुअली ट्रैक रिकॉर्ड की. एनुअली रेवेन्यू देखेंगे 2019 में जो रेवेन्यू आया था ना 2020 में आया है ना 2021 में आया है. 2021 की तो बात इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि ड्यू टू सेकंड वेव ऑफ कोविड थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर रही है. एंड बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की. तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो 2020 में तो बिल्कुल ही कहने इसका डिस्टर्बेंस हो गई थी और ड्यू टू सेकंड वेव ऑफ कोविड. एंड 2021 में भी आप देखेंगे तो 2021 में हालांकि इसकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी आई है एनुअली अगर आप देखेंगे तो. और इसलिए जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है इसने दिखाई है इस वाले एरिया में. एंड डेप्ट की अगर बात करें तो डेप्ट कंपनी के पास में बहुत ही कम है. अब क्वार्टरली बात करते हैं तो क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो जून सितंबर दिसंबर मार्च. अब मार्च वाले क्वार्टर से मिलाएंगे तो रेवेन्यू डाउन है. जून वाले से मिलाएंगे तो थोड़ा ऊपर है. एंड प्रॉफिट की बात करें तो पहले भी लॉस में थी जून में अब के भी लॉस पोस्ट किया है और अब की बार और ज्यादा लॉस पोस्ट किया है पहले से. अब बात करते हैं मार्च से तो प्रॉफिट में थी अब की बार लॉस पोस्ट किया है. तो ये कह सकते हैं ड्यू टू सेकंड वेव ऑफ कोविड सारे जो स्टॉल्स हैं इनके जो बंद होते दिखे
सेंटर्स जो है वो सब बंद रहे सेकंड वेव ऑफ कोविड की वजह से, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, देख सकते हैं आप प्रॉफिट में सस्टेन नहीं कर पाई, एनपीएनएल में भी नहीं आ पाई, लॉस में आई है कंपनी। एंड बात करते हैं कुछ और रेशियोज के ऊपर, तो हालांकि कोई ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं बना रही है कंपनी, बात करते हैं हालांकि, लेकिन ईपीसी फीपीसी में जिस तरीके से ये काम कर रही है, हो सकता है वहां से इनको लेकिन जरूर एक काम अच्छा खासा काम एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस वहां से जरूर होता हुआ देख सकता है, चूंकि एक नया काम जो है कंपनी करती दिख रही है। और बेसिक ईपीएस की बात करें, ईपीएस बढ़ी है, बुक वैल्यू भी बढ़ती हुई देखी है, डिविडेंड हालांकि नहीं दिया है दो साल से, 2020 में भी नहीं दिया, 2021 में भी नहीं दिया, फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 की फेस वैल्यू है। एफआईआईडीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बिजनेस जो है ये अपना जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मुझे लगता है वहां से एक चाल इनमें जरूर देखने को मिलेगी। 12 की आरओई है, डेप्ट हालांकि बहुत ही नॉमिनल है, तो आने वाले टाइम मुझे लगता है इसका एक अच्छा खासा हो सकता है। तो अगर आपको अगर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करें, और अगर आपने इस स्टॉक से रिलेटेड का कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।